आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड यू कैन सी दैट देर आर सम इवेंट्स बेसिक इवेंट्स रिलेटेड विथ टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन. वी से दैट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आर वे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन इज विविपैरस. ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब हम बेटा पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर टू में, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देती हूँ मैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि जो ह्यूमन है वो एक बॉडी में एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल ह्यूमन यानी मैन की बॉडी में होंगे, और वुमेन है तो वीमेन के बॉडी में जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. और जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं वीवी पैरस होती हैं. इसका मतलब है कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं वो बच्चे देती हैं. उसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्यों? क्योंकि दो पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर में. इसके अलावा आप देखेंगे ई सेक्स हैज़ पेयर ऑफ गोनट्स. जो गोनट्स हैं यानी कि मेल में टेस्टिस हैं वो पेयर्ड होते हैं, फीमेल में ओवरीज हैं पेयर्ड होती हैं, और इनमें रिप्रोडक्टिव डक्ट और एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो पेयर्ड गोनट्स रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल के भी और फीमेल के भी. सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो बताया मैंने आपको ह्यूमन मेल हैज़ पेयर टेस्टिस एंड फीमेल हैज़ ओवरीज. गैमेट फॉर्मेशन अकर्स एंड दिस ऑल हैपन अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स. वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हार्मोन्स. एक टॉपिक में आपका एक दिन आपका पूरा मैं लेक्चर एक हार्मोन्स का जो रिलीज पूरी प्रोसीजर में क्या रोल है कैसे रोल है उस पर लूंगी. अभी हम स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का ऑनसेट कब होता है? ऑनसेट होता है एट रीचिंग ऑफ प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी स्टेज आती है उस टाइम पर ऑनसेट होता है. तो लगभग 9 से 11 साल के बीच में फीमेल्स का है, 13 ईयर्स भी होता है कभी कभी, और इसी तरह मेल्स का 13-14 ईयर्स एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. और इसके बाद जब वो प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज एडोलसेंट. कहते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो एडोलसेंट एज में एंटर कर चुका है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या प्रोसेस होती है? तो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर इम्प्लांटेशन, फिफ्थ गेस्टेशन एंड सिक्स इज पार्चुरेशन. वॉट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस एज यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर्स इन मेल. देर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. इन फीमेल देर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट इज नोन एज ओजेनेसिस. तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन लेटर स्लाइड्स. सेकेंड इवेंट आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, ऑन onset of puberty gametes are formed in the body of male in form of sperms and in the body of female in form of ovum. Sperms and ovum are always haploid, means 23 chromosomes, only 23 chromosomes they have. Second process after formation of gamete, there is a need of transfer of gametes. Transfer here, male gamete is motile and female gamete is non-motile. Male gamete transfer of sperm into the female genital tract. This process is known as insemination, and this is very important. It is very significant and important role in process of childbearing. Third is fertilization. Fertilization is fusion of male and female gametes leading to formation of zygote. You know that first single cell formed after the fusion of male and female gamete, there is formation of zygote, and this process is known as fertilization or syngamy, also known as syngamy. Fourth one is implantation. After development of zygote, there is need of fixing of that zygote inside the uterus body, female's body, uterus, inside uterine wall. These zygote have mitotic, several mitotic divisions, and these mitotic, after several mitotic divisions, there is development of a structure known as blastocyst, and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall is known as implantation.
ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर इम्प्लांटेशन गेस्टेशन पीरियड स्टार्टेड मीन्स नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट विल डेवलप इनटू चाइल्ड इनटू फीटस डेवलप इनटू फीटस इनसाइड द फीमेल बॉडी इनसाइड द यूट्रस ऑफ द ह्यूमन फीमेल कंसर्न फीमेल. ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो आगे का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे चलकर फीटस बनती है और इन्फेंट बनता है. फीटस ही होगा जब तक एम्ब्रियो जब तक यूट्रस के अंदर है उसे फीटस बोलते हैं. तो ये जो पीरियड होता है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है वो किसमें बदल जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बदल जाती है इन फीटस फिर इन्फेंट में, तो उसे हम कहते हैं इन्फेंट मीन्स होता है न्यूली बॉर्न बेबी. तो ये जो टाइम पीरियड है उसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं और इसको एक नाम दिया गया है गेस्टेशन पीरियड. ह्यूमन में 9 मंथ्स का पीरियड होता है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड तो एक लाइन में आपको बताने आना चाहिए फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. कंसेप्शन मतलब होता है जब से स्पर्म को फीमेल जो है रिसीव करेगी. रिसीव ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म जो है इंसेमिनेशन तो फीमेल की बॉडी में हो जाए, उसके बाद वो जो स्पर्म है वो ओवम से मीटिंग होनी चाहिए, उससे ओवम पर अटैच होना चाहिए, ओवम की बॉडी को पेनेट्रेट करके ओवम का जो न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा, उसके बाद जायगोट बनेगा. तो उसे कहते हैं कंसेप्शन, इसे कहेंगे कंसेप्शन. तो कंसेप्शन फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ जो प्रोसेस है इसे ही कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है. आफ्टर दैट व्हेन द फीटस विल बी मैच्योर एनफ टू कम आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज द टेक्निकल टर्म मेडिकल टर्म फॉर डिलीवरी ऑफ द बॉडी. ऑल्सो सिंपली वी कैन यू कैन सी दिस दैट चाइल्ड बर्थ देर इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन आर चाइल्ड बर्थ इज ऑक्सीटोसिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. आप जानते हैं कि जो वैसोप्रेसिन है उसे ADHB कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसका वाटर कंजर्विंग हार्मोन भी नाम है और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी में, किडनी की DCT पर एक्ट करता है और DCT पर एक्ट करके ये वाटर से ये बॉडी से वाटर लॉस को चेक करता है, रेगुलेट करता है. दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन. और आप देखते होंगे कि आजकल जो है गाय दूध दे अच्छे से तो इसके लिए उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं. आपने सुना होगा कि जो लौकी होती है या जो इस तरीके के कद्दू है, इस तरीके के फ्रूट्स होते हैं जो आराम जल्दी से फूल जाएं, तो इसके लिए उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है. तो ये नॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, एथिकली ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं तो वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है. यहाँ हम देखेंगे कि पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी इज चाइल्ड बर्थ मीन्स. और इसका जो हार्मोन है हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन. तो ये स्लाइड बेटा मैंने आपसे डिस्कस की. दिस स्लाइड इंक्लूड्स द सेक्सुअल इवेंट्स मीन्स दिस स्लाइड इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इंसेमिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल देन गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट्स एंड चाइल्ड बर्थ अकर्स दैट इज नोन एज पार्चुरेशन. तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा. अब यहाँ हमें आगे जो डिस्कस करना है वो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें डिस्कस करना है. तो बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए. हम इसे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे ओवरऑल. देखिए इसके साथ साथ हम ये स्लाइड्स भी जो हैं इसे भी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे. एसेसरी डक्ट्स और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया एसेसरी ग्लैंड्स तक डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे. अभी बेसिकली मैंने आपसे
एक ही यहाँ पर डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स।